पीरियड लीव्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये काफी टाइम से विवादों में है। लेकिन आज हम महिलाओं के बीच हैं जो काम करती हैं, उनसे जानेंगे क्या वो चाहती हैं पीरियड लीव्स हो, क्योंकि अभी हमने हाल ही में कल एक बयान देखा है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद कहा है कि पीरियड लीव्स जो है वो जरूरी नहीं है और नहीं होनी चाहिए। और सीधा बातचीत करेंगे और समझेंगे कि महिलाएं क्या कहती हैं। आप डेली वर्क करती हैं, किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस होता है? और सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल होगा कि आपको लगता है पीरियड लीव्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? और जो कल आपने बयान देखा है, जो स्मृति ईरानी का कहना है साफ तौर पर कि पीरियड लीव्स की जरूरत नहीं है, और उनका ये भी कहना है कि पीरियड्स हैं हम हैंडीकैप नहीं है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे स्टेटमेंट को? जी, मेरे हिसाब से पीरियड्स लीव नहीं होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी की, राइट, तो देर शुड नॉट बी अ डिफ्रेंसिएशन, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। हाँ, जहां पर महिलाओं को कभी कभी बहुत अति में प्रॉब्लम होता है तो दे शुड बी कंसिडर्ड, बट दैट शुड बी ऑन अ पर्सनल बेसिस। उतना हमको ह्यूमैनिटी रखना पड़ेगा, राइट। आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, तो हम लोग को हर महीने दो लीव्स अलाउड होती है, पेड लीव्स अलाउड होती है, तो आई फील कि दे कैन ऑलवेज बी एडजस्टेड इन दोज टाइम। ओके, एक नॉर्मल इंसान की जब मैं बात करती हूँ, एक नॉर्मल महिला की जब मैं बात करती हूँ, तो हमारी डेली की लाइफ में उस टाइम में हमें कोई रियायत वैसे भी नहीं मिलती है। अगर हम घर पर भी हैं तो देर आर थाउजेंड थिंग्स दैट वी आर ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है ना। तो आई पर्सनली डोंट एडवोकेट दिस स्टफ। ये एक राय हमने आपके सामने रखी, बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी जानेंगे और समझेंगे कि क्या उनका इस पर कहना है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो उन्होंने कहा था केंद्र सरकार पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कल ये बात स्पष्ट हो गई कि केंद्र सरकार ऐसा कोई लीव्स पर विचार नहीं कर रही है। क्या आपको लगता है कि ये जो कॉन्ट्रोवर्सी है या एक डिबेट कह लें, बहुत टाइम से विवादों में है, तो क्या आपको लगता है इस पे ब्रेक लगना चाहिए? आपका क्या अपना ओन परसेप्शन है, आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप भी एक वर्किंग वुमन है? ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि पेड लीव होना चाहिए, दो दिन या तीन दिन, तीन तो खैर ज्यादा हो जाएगा लेकिन दो एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि सबके लिए पेन अलग अलग है। मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और सभी का काम अलग अलग है, तो उसमें भी बात देखी जा सकती है कि कई बार मुझे ग्राउंड लेवल पे जाना होता है तो नहीं जा पाती हूँ, नहीं आगे काम कर पाते। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहूंगी, जो टर्म यूज हुई है ऑब्वियसली बहुत डिग्रेडिंग है, हैंडीकैप्ड, आपको खुद सोचना चाहिए बीइंग अ फीमेल, आप ऐसे ही टर्म को यूज करो महिलाओं के लिए तो बहुत अपने आप में गलत बात है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पेड लीव्स की बात आती है, अगर पीरियड लीव्स की बात आती है, तो एक इनइक्वालिटी की बात जुड़ जाती है। जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो हमें लीव्स क्यों चाहिए? इक्वेलिटी की बात करते हैं लेकिन हम सभी जानते हैं कि बायोलॉजिकली वी ऑल आर डिफरेंट, लाइक मेल एंड फीमेल दोनों अलग हैं, तो फिर बायोलॉजिकली जब हम इस चीज को जानते हैं तो फिर डिफरेंस तो है, लेकिन इक्वेलिटी हम राइट्स में बात करते हैं, इक्वेलिटी की बायोलॉजिकली हम नहीं कह सकते कि वी ऑल आर सेम। सो मुझे ये लगता है। आप भी वर्किंग वुमन है, आपको भी बहुत सारी दिक्कतें आती होंगी, तो जब आप पीरियड्स के दौरान काम करती हैं तो क्या आपके मन में भी ये थॉट आता है कभी कि पीरियड लीव्स होनी चाहिए? मैं तो जरूर कहूंगी कि पीरियड लीव होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मेरी कुलीग ने कहा है कि सबका पेन थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है, और कई जो होते हैं फर्स्ट डे हो या सेकेंड डे हो तो वो फिर किस तरह से उसको टैकल करें, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि पीरियड लीव होनी चाहिए। और इस तरह से इनडिफरेंस की बात नहीं है, ये अपनी खुद की बात है कि आप कैसे उसको मैनेज करते हैं, हम कितनी औरतें कितनी चीजों में मैनेज करती हैं। तो इस चीज में अगर मान लो आपको आप उसको मद्देनजर रखते हुए कहें कि हाँ भाई उनको जरूरत है, तो जरूर पीरियड्स की लीव होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। अच्छा, बहुत सारे लोगों से जब हमने बात करी, जब यूथ से बात करी, तो उनका भी यही कहना था कि एक चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, तो क्या आप भी इसमें बिलीव करते हैं कि एक चॉइस दी जानी चाहिए? हाँ, अगर मान लो चॉइस की बात है तो जरूर चॉइस देनी चाहिए, ये तो अगर चॉइस की बात है तो चॉइस देनी चाहिए। कई जो हैं, कई इट्स नॉर्मल फॉर देम, कई जो हैं कहते हैं कि लाइक वी हैव टू, वी कांट फंक्शन प्रॉपरली, तो चॉइस होगी तो एटलीस्ट आई यू नो वे यू कैन यू नो मैनेज इट, आई एग्री ऑन दैट। तो देखिए,
लगातार हम आपको जो है सारी राय रख रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जो है वो सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना जी भी जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले मैं उनसे जब सवाल करूंगी तो एक वुमेन होने के नाते ही करूंगी, तो मैम मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आपको लगता है ये जो काफी टाइम से विवाद चलता आया है, पीरियड लीव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, एज अ सोशल एक्टिविस्ट नहीं बट एज अ वुमेन? देखिए, हम सबको पता है वो पेन किसी के लिए किस उस तक जा सकती है, एंगल तक हर एक ही अलग है। जब स्मृति जी ने ये बयान दिया, मे बी उनके पीरियड्स पेनफुल नहीं होंगे, तो उन्होंने वो बयान दिया, पर उन्होंने क्या ये सोचा कि मैं एक कंसल्टेशन कर लूं, अलग अलग फील्ड से महिलाओं को बुलाऊं, जो काम आप कर रही हैं अलग अलग फील्ड से लोगों को पूछ रही हैं, क्या उनको नहीं करना चाहिए था? ये बयान उन्होंने अपने लिए दे दिया, बट वो तो रिप्रेजेंट करती है पूरे भारत की महिलाओं को, वो तो मिनिस्टर है महिला और बाल विकास मंत्रालय की, तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था उनको। मुझे लगता है कि सबका अलग अलग, जैसा मैं सब बोल रहे हैं, पेन का थ्रेशोल्ड है और सबकी चॉइस होनी चाहिए। जिनको लगता है पीरियड्स में वो काम कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते हैं उनको बाकायदा रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतना पेनफुल हो सकता है, इट इज वेरी पेनफुल फॉर सम पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो मैं चाहती हूं कि ये एक उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए और कॉर्पोरेट्स को ये लागू हो जाना चाहिए, और उसके बाद उसमें एक क्लॉज डाल देना चाहिए कि ऑप्शनल है, कि अगर आपको नहीं लेना है तो इट्स इज फाइन, बट अगर जिनको अवेल करनी है उनको अवेल करने देना चाहिए। मुझे लगता है स्पेन की बात करें, बिहार की बात करें, वहां पर ये लीव्स जो हैं वो दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से कह दिया था कि केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन कल स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार की तरफ से ये साफ हो गया, क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने खुद कह दिया केंद्र सरकार ऐसा कुछ विचार नहीं कर रही है। तो क्या वो फिर से सवाल खड़ा होता है, क्या वो नीड है, वो होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ हम स्टेटमेंट की बात करें, दूसरी तरफ अगर हम परसेप्शंस की बात करें, मैंने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि हम नहीं मांग रहे हैं लीव ना भी हो, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, स्टेटमेंट तो बहुत इनसेंसिटिव है, उसमें तो मैं दोहराई नहीं है, नॉट ओनली फॉर वुमेन, फॉर हैंडीकैप पीपल ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने एक तीर से दो निशाने किए और दोनों ही गलत किए। महिलाओं के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से बोल दिया, और एक उनके पास एक आंकड़ा नहीं है कि उन्होंने 10 महिलाओं से बात की हो, मुझे नहीं लगता उन्होंने की है, तो बताएं कि मैंने की थी और ये एवरेज निकल के आई है कि ऐसे महिलाएं ही रिजेक्ट कर रही हैं। तो जब तक डेमोक्रेसी में आप सबको साथ में लेके नहीं चलोगे, आप क्योंकि उस कुर्सी पे बैठे हो और आप ये सोच के बैठे हो कि मैंने जो बोल दिया वो सर्वप्रिय और सब उस पर है, वो गलत है। मुझे लगता है कि उनको कुछ ना कुछ महिलाओं से बात करनी चाहिए, उसके बाद ये कंक्लूजन करना चाहिए। और सेकेंडली, ऐसी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट, हैंडीकैप तो वर्ड ही आजकल डिक्शनरी में नहीं है, और बोलना भी बड़ा इनसेंसिटिव है, स्पेशली एबल्ड, स्पेशली चैलेंज्ड वर्ड्स भी आ गए हैं, और वो भी नहीं आ गए तो स्पेशली एबल्ड, मतलब बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं जिनका चयन कर सकती है। हैंडीकैप वर्ड मुझे लगता है अपने आप में ही बहुत गलत उन्होंने बोला है। दूसरा कि देखिए, बिहार स्टेट में ये लागू हुआ है तो उन्होंने भी कुछ चर्चाएं की होंगी, तो ऐसी स्टेट से उनका आप रिपोर्ट भी ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि ये कैसा चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये मैटर ऑफ यू नो, हर एक की ओपिनियन अलग अलग होती है, तो मैटर ऑफ डिस्कशन भी है। मैम, ये कब तक ये डिस्कशन रहेगा? बहुत लंबे सालों से विवाद चलता है, क्या आपको लगता है कि इस पे एक फुल स्टॉप लग पाएगा? देखिए, अगर लीडरशिप में स्मृति जी जैसे लोग रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कभी हो पाएगा। मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो सबको साथ लेके चले, और महिलाओं के मुद्दे पे वो वैसे ही चुप रहती हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी के मुद्दे पे बोलती हैं, या वो जब ऑपोजिशन में कुछ होता है तो बोलती हैं। महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं 17 साल से मैं काम कर रही हूं और मैंने अलग अलग सरकारों को देखा है, मुझे लगता है जितनी स्लो स्पीड से, या वो काम ही नहीं कर रही है, मैं बोलूंगी वो डिफंक मिनिस्ट्री है एक तरह से, और कभी वो सिर्फ बयानबाजी के अलावा मुझे उनका कोई पुख्ता काम दिखता नहीं है। आपने कहा 17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, प्रॉब्लम होती है क्या उन दिनों काम करने में? मैं चाहूंगी कि ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये ओपनली कह भी रहे हैं कि डिफिकल्टी मुझे तो होती है, एंड आई नीड रेस्ट, लाइक आई नीड प्रॉपर रेस्ट, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सबका अलग अलग है। मैंने ऐसे भी फ्रेंड्स देखे हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर सुपर एक्टिव, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, और हमारे तो एथलीट्स हैं, स्विमर्स हैं, आर्मी में लड़कियां हैं, तो उनको देखा जाए तो वो लोग को कौन पूछ रहा है। बट ये अगर आएगा तो उन लड़कियों के लिए अच्छा है जिनको तकलीफ होती है, और होती है, ये बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि कुछ महिलाओं को, मुझे लगता है अगर आप सर्वे करें प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि 50 से 60% महिलाओं को रेस्ट चाहिए। देखिए,
आप सुन रहे थे महिलाओं को, हमने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बातें की, हमने यूथ से बात की और हमने महिलाओं से बातें की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ लोगों को जरूरत है तो ऑप्शन होना चाहिए, और बाकी अगर पेड लीव की बात नहीं भी है तो ये जो स्टेटमेंट यूज किया गया है कहीं ना कहीं उनसे उन्हें बहुत तकलीफ पहुंची। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली।